दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने डेलीगेट नहीं किया है, कोर कॉइन को स्टेकिंग बढ़ने लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच करिए। हम आपको गाइड कर रहे हैं, पूरा लाइव दिखा रहे हैं, आप आसानी से डेलीगेट कर पाएंगे। दोस्तों आप अगर क्लेम कर लिए होंगे तो यहाँ पर आपका कोर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे भाई साहब का वैलेट है, मैंने जो इनके कॉइन थे उनको डेलीगेट कर चुका हूँ ऑलरेडी जो है। तो आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ पर क्लेम जो है किए हुए कॉइन दिखेंगे। यदि आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है तो हमारी क्लेम वाली वीडियोस आकर के देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्लेम का प्रोसेस मिल जाएगा, आप क्लेम कर पाएंगे। तो सिंपल सा आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारा अगला प्रोसेस जो है यहाँ खुलकर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ ब्राउज़र पर क्लिक कर देना है। ब्राउज़र पर जब आप क्लिक कर देंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों आपके सामने। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर जो होम पेज पर जा करके रिफ्रेश कर लेना है एक दो बार। चलिए हम रिफ्रेश कर ले रहे हैं। जब भाई रिफ्रेश कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों हम सर्च बार में यहाँ पर जो है टाइपिंग करेंगे URL, आप उसी को टाइपिंग कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं stake.core.org, ठीक है ना। तो जब हम ये लिखते हैं stake.core.org, तो आप देख रहे हैं कि नीचे भाई ये जो है साइड नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये आ रही है क्लेम करने वाली साइड। प्लीज़ जब आप में यहाँ पर जहाँ मैंने यहाँ क्लिक किया है stake.core.org टाइपिंग करने पर नीचे आ जाए तो आप क्लिक कर दीजिएगा, प्रोसेस आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो है इनके भाई साहब के फ़ोन में जो है नहीं मिल रहा है ऑप्शन, तो थोड़ा सा इसे हम चेंज करेंगे। आप में भी नहीं मिले तो आप थोड़ा सा इसे हाथ चेंज करके फिर से देख लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ हम चेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे stake.core coin, लिख के देखते हैं कि आ जाता है कि नहीं। कोर कॉइन, ठीक ना, यहाँ पर आ गया दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कोर कॉइन आ गया है। तो हम थोड़ा सा इस पर एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि आप पहली बार में stake.core.org पर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जो जैसा मैंने यहाँ दिया है थोड़ा सा चेंज किया है stake.core coin, तो आप भी इसी तरीके कर दीजिएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कुछ इंटरफेस क्या आता है। तो दोस्तों मैंने एक बार फिर से stake.core coin को टाइपिंग कर लिया है। अब सिंपल सा फिर से हम यहीं पर क्लिक करके देखते हैं भाई क्या साइड ओपन होती है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और आप भी क्लिक कर दीजिएगा जी। फिर से हम देख लेते हैं क्या होता है भाई, साइड ओपन होकर के हो सकता है आ जाए, अब की बार आ जाएगा तो अगला प्रोसेस आपको हम दिखा देंगे जी। बिल्कुल फाइनली रूप से साइड ओपन हो गई है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसा मैंने किया प्रोसेस इसी तरीके कर लेना है। और उसके बाद में आपको दोस्तों अगला प्रोसेस सिंपल सा है, यहाँ स्टेकिंग कोर पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। स्टेकिंग कोर पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, क्लिक कर दिया हमने। जब आप क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा दोस्तों। आपके जो यहाँ पर वैलिडेटर हैं वो दिखाई दे रहे हैं भाई, यहाँ पर 22 वैलिडेटर हैं लेकिन 21 एक्टिव हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड दिख रहा है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अभी देख लीजिए, बता दूंगा। यहाँ पर आपका जो है दोस्तों सिंपल सा देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपके जो कोर कॉइन अभी डेलीगेट आप करेंगे वो दिखेगा। यहाँ पर इतने लोग कोर कॉइन को डेलीगेट कर चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद में तमाम सारे दोस्तों नोड हैं, यहाँ पर नोड देख लीजिए पहले। यहाँ पर पहले नोड पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा अपने आप से रिसर्च करिएगा दोस्तों। इसमें जो है कमीशन 2% है, APR 46.52 है, यानी बहुत कम है दोस्तों। तो इस पर आप डेलीगेट मत करिएगा प्लीज़ जो है, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप यहां पर देख लीजिए दोस्तों, जब यहां पर आएंगे तो यहां पर जो है 2.5 कमीशन है और 65.11 आपका APR है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके चेक कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो वहीं पर तो नीचे स्क्रॉल करिएगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, दो बता दे रहा हूँ और उसके बाद में आपको जो अच्छा लगे वहाँ पर भी जा करके कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ आप वहीं पर लगाइए जो है, जिससे यहाँ पर मत लगाइएगा, हम आपको दिखा रहे हैं भाई, ठीक है ना। जो अच्छे से कमीशन दे और APR भी अच्छा हो वहीं जा करके आप लोग लगाइएगा। APR कमीशन प्लीज़ वेट जो है थोड़ा सा वेट करिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपसे कहेंगे कि एक तो आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक आप लगा सकते हैं DAO है, वैलेट करके है DAO। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जो है DAO सातवें नंबर लिखा गया है। ये जो है DAO 5% कमीशन है, 145% APR है। यहाँ पर आप लगा दीजिए, अच्छा प्रॉफिट होगा, एक्टिव बहुत ही जेन्युइन ये जो है वैलिडेटर है। दूसरा आपको जो लगाना है दोस्तों, दूसरा आपको भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लगा देना है जी। बिल्कुल बिल्कुल जो है आप यहाँ पर लगा सकते
सकते हो ये जो है दोस्तों एड्रेंस जो है यहाँ पर लगा दीजिएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद में करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक कर देंगे आप, ठीक है ना। जब आप थ्री डॉट पर क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। भाई देखिए इनका जो है वॉलेट पहले से कनेक्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर माई स्टेकिंग आ रहा है और वॉलेट भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ माई स्टेकिंग लिखा है यहाँ पर आप में कनेक्ट क्लिक कराएगा, तो वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे में जो है माई स्टेकिंग लिख करा रहा, तो माई स्टेकिंग पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो ये जो मेरे भाई साहब का ये फ़ोन है भाई वैलेट है, तो उस वैलेट में इन्होंने जो है इतने कॉइन को डेलीगेट पर लगाया है, ठीक है ना। आपके यहाँ पर वैलेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और आप जब 24 घंटे के बाद देखेंगे डेलीगेट होने के बाद में, स्टेकिंग करने के बाद में, तो यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आएगा। जब आप यहाँ जो है क्लेम करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो आपके कोर कॉइन जो है यहाँ पर शो होने लगेंगे रिवार्ड में। रिवार्ड का ऑप्शन देख रहे हैं ना दोस्तों, आपका यहाँ पर आ जा रहा है, यहीं पर आपका पर डे जो है रिवार्ड कलेक्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। यहाँ ये भी दिखेगा कि भाई आपने किसके सामने जो है कितना डेलीगेट किया है, ठीक है ना। प्लीज़ जो है यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने दो जो है ऐसे हैं जो डेलीगेट वैलिडेटर हैं, उनके पास डेलीगेट किया है, यानी एवरस्टेक के पास किया है, इन्फोस्टोन के पास किया है। तो आप भी जहाँ करेंगे दिखेगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 10% कमीशन भी दिख रहा है। ये PR भी आपके सामने है, उसके बाद में कॉइन डेलीगेट किए गए। पहले जो है इन्होंने पहले जो वैलिडेटर उसके पास 1.154 किया है, दूसरे के पास 1 crore किया है। और आपको यहाँ पर जितने रिवार्ड पर डे मिलेंगे ना भाई, वो भी यहाँ पर दिखने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है दोनों, ठीक है। और यहाँ डेलीगेट किए गए हैं, ठीक है। तो भाई एक ऑप्शन आ रहा है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कैसे डेलीगेट को अनडेलीगेट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं कि अनडेलीगेट का, ठीक है ना। तो जिसके सामने का आप अनडेलीगेट करना चाहते हो उसी के सामने क्लिक कर दीजिए। तो मैं एक थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, यहाँ मैं अनडेलीगेट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में दो ऑप्शन फिर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक आ जाता है अनडेलीगेट का, एक ट्रांसफर का। तो आप अनडेलीगेट करिए, ठीक है ना। अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर आप दूसरे वाले के पास कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अनडेलीगेट पर क्लिक कर दीजिएगा। अनडेलीगेट पर क्लिक कर देंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा खुल करके, आप जो है पूरी तरीके से अनडेलीगेट कर पाएंगे, कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो अनडेलीगेट का प्रोसेस है। उसके बाद में हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि भाई आप अगर कनेक्ट कर दिए जो है तो आप कैसे जुड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर कोर पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। आप कनेक्ट कर लिए अपने वैलेट को, उसके बाद में कोर पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में सब आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। सॉरी फिर से देखिए, आपको जो दिखेंगे तो आप वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा दोस्तों। ये तमाम सारे नोट आ गए, आप किसी भी नोट को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप इस वाले नोट को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो आपको सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो भाई आप इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है खुलकर। जब आपके सामने इंटरफेस आ जाए तो आप डेलीगेट पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। अब चलिए डेलीगेट पर आप क्लिक कर दिए हैं तो थोड़ा सा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ मांगेगा कि भाई आप कितने कॉइन को आप डेलीगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो प्लस का माइनस यहाँ दिया गया है, माइनस भी दिया गया है, तो आप प्लस को बढ़ा कर सकते हैं यहाँ पर करके देख रहे हैं बढ़ रहा है, या माइनस करके घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। और आपके पास अगर लगता है भाई एक भी कॉइन नहीं है, बहुत कम मिले हैं, तो आप ऐसे अपने जैसे जीरो जो भी आप चाहें, 95 जो भी आप है, ठीक है ना, कम से कम 0.5 होना चाहिए, नहीं तो आपका डेलीगेट नहीं हो पाएगा। तो चलिए 1 हम देख लेते हैं, 1 crore को डेलीगेट करके। तो उसके बाद में यहाँ पर 1 हमने लिख दिया है, फिर यहाँ पर जो है आपका डेलीगेट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ गया, भाई आप सेंड करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो चलिए सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस चलने लगेगा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो आपके पास कितना कोर है अभी जो है, आप जब कोर आपका जो रहेगा यहाँ पर दिखेगा, भाई इनके पास कोर नहीं है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ इनके वैलेट में कोर नहीं, मैंने पहले भी दिखा दिया है। आपके जितने भी कोर रहेंगे वैलेट में यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद में आप देख पाएंगे गैस भी आप में नहीं लग रहा मेरे भाई, ठीक है। और टोटल जो है डेलीगेट जो आप करेंगे वहाँ आपका कॉइन जो है यहाँ पर दिखने वाला है, देख रहे हैं यहाँ पर दिखने वाला, ठीक है। और यहाँ पर लिख कर आ रहा है इनके फ़ोन में, भाई देखिए ये जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, इनके पास ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, चूँकि इनके पास कोर नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी अपना डेलीगेट कर लिया है। तो आपको सीधे आ जाना है नीचे, आपके पास कोर रहेंगे, जब रहेंगे तो आपको दिखेंगे और आपका हो भी जाएगा। सॉरी ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़। ये यहाँ पर करके जो है एक मिनट जी कर लीजिएगा, उसके बाद में आप इस यहाँ कन्फर्म ऑप्शन जो है आप में आएगा, कन्फर्म पर क्लिक कर दिएंगे तो ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका प्राइस चल रहा है दिखेगा, प्राइस भी चल रहा है भाई कि एक कोर कॉइन का कितना है, आपको सारा कुछ दिखने वाला है आपके सामने भाई। तो आप कन्फर्म करके सीधे आप देखेंगे सबमिट कर देंगे, ठीक है, कन्फर्म कर देंगे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको सीधे बैक कर लेना है भाई, थोड़ा सा बैक कर लेंगे तो इसमें आपको सक्सेसफुल दिखेगा, चूँकि इनके में कॉइन नहीं इसलिए इनका जो है एरर दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर थ्री डॉट पर हम क्लिक करते हैं, फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो इस थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और क्लिक कर दिए दोस्तों। उसके बाद में फिर से हम आ जाएंगे ब्राउज़र में आ जाएंगे, ठीक है।
ब्राउजर के नीचे यहाँ बैलेट है, बैलेट में, ठीक है ना। तो बैलेट में जो है क्लिक कर देंगे, उसके बाद में देख रहे हैं आप दोस्तों जिस प्रकार से इनके कॉइन यहाँ से चले गए थे, पहले ही हमने आपको दिखा दिया था, उसी तरीके से जो आपने जितने कॉइन को डेलीगेट किया है उतने कॉइन यहाँ से हट जाएंगे, शेष कॉइन आपको यहाँ दिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डेलीगेट करना है। यदि आपके समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, फिर से हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।